अभी हम है गोविंद घाट पहुँचे, वहाँ से हम रवाना हुए थे लगभग 2 बजे फिर वहाँ से शेयरिंग टैक्सी की। यहाँ क्या है कि सीजन में उन्होंने उसे किराया लिया जोशी मटका, लेकिन गोविंद घाट तक आने से उन्होंने ज़्यादा किराया लिया, लगभग 2500 रुपये ज़्यादा लिए। चलो कोई नहीं, अभी हम आए गोविंद घाट सुबह हेमकुंड साहिब और जाना है वैली ऑफ फ्लावर्स नाइट स्टे, यहाँ गुरुद्वारा है वहाँ पे किया, वहाँ पे स्टे मिलती है, खाना भी फ्री है, लोकल रूम भी फ्री है। सुबह गोविंद घाट जाएंगे। हेलो, अभी 4 बजने को है, हम गोविंद घाट गुरुद्वारे से भी फूलों की घाटी की ओर जाएंगे, जहाँ पहले 4 किलोमीटर पुलना गाँव तक हमें यहाँ से शेयरिंग टैक्सी मिलेगी। पहले 10 बंदे इकट्ठे करने पड़ेंगे, फिर उसके बाद वो शेयरिंग टैक्सी से हम और भी पुलना क्या मिलेगी, फिर उसके बाद फिर अरे ओ फिर वहाँ से लगभग 9-10 किलोमीटर का पैदल ट्रैक है, तो लेट्स सी मिलते। अभी हम चढ़ रहे हैं घाघरिया के लिए, फिर वहाँ से 2 रास्ते, एक जाता है हेमकुंड साहिब और एक जाता है वैली ऑफ फ्लावर्स। पहले हमारा प्लान वैली ऑफ फ्लावर्स जाने का है, अभी वक्त मिला तो जाएंगे हेमकुंड साहिब, वरना वहाँ से वापस रिटर्न गोविंद घाट आ जाएंगे। आपको रास्ता दिखाते हैं, बहुत प्यारे व्यूज है, चढ़ना तो बहुत कठिन है लेकिन व्यूज़ बहुत प्यारे हैं। यहाँ पे केदारनाथ के मुकाबले बहुत कम भीड़ है, क्योंकि वैली ऑफ फ्लावर इतना लोगों इसके बारे में जानकारी नहीं है, हेमकुंड साहिब ज़्यादातर सिख समुदाय के लोग आते हैं। आगे एक और गांव आ रहा है पास में, नदी है, नदी का पता करके हम आपको ज़रूर बताएंगे जब पोस्ट होगा वीडियो। पहाड़ों पे उस ये ढलान है, इसका मतलब कहीं चढ़ाई, ये मेरा साथी है, इसके टांगे नहीं खच्चर की टांगे ये इसको मैंने जब प्लान बनाया तो ले लिया, मैंने कहा कहीं ये बेटा बेटा कमा ना ले इसका भी खर्चा करवा। जैकेट उठा लिए और चल के गर्मी लग रही थी, बाकी यहाँ टेम्परेचर तो 8-9 डिग्री के आसपास होगा।
बड़ा बढ़िया मतलब हो गए दिन निकलने के डेढ़ घंटे बाद चलने के बाद धूप मिली अब व्यू पॉइंट डाल दिया 200 मीटर तक ना आवे पहाड़ों और पर्वतों की ऊंचाई देखी ये नहीं प्यार ये यहाँ का व्यू पॉइंट है गागरिया से 700 मीटर पहले यहाँ पे स्टे कर सकते हो नाइट स्टे गाड़ी के काम से चली आए आप रूम खाना पीना सब कुछ फैसिलिटी अवेलेबल है महंगी जरूर होगी लेकिन अवेलेबल है जाता है हेमकुंड साहिब की मार्ग यहाँ जाता है फुलो घाटी 3 किलोमीटर दूर है 1 किलोमीटर का एरिया है यहाँ चेक पोस्ट है ये वो रास्ता है जिसके लिए मैं राजस्थान से उत्तराखंड आया था लेकिन फिर घूम तो वैसे काफ़ी जगह ली जहाँ सबसे पहले आना था वहाँ सबसे अंतिम में आए यहाँ से आगे थोड़ा चेक पोस्ट है जहाँ से यहाँ का चार्ज है वो लेंगे पोलिथीन वगैरह उसका काउंटिंग करेंगे
लोग पहुंच चुके हैं वैली ऑफ फ्लावर्स, यही है वैली ऑफ फ्लावर्स। हालांकि अभी तक फूल आए नहीं हैं, कुछ एक फूल आए हैं। जब लगभग अगस्त सितंबर तक सारे फूल आ जाते हैं, बड़ी खूबसूरत दिखती है। लेकिन अभी मौसम, यहाँ की हरियाली बड़ी प्यारी खूबसूरत है। अभी हम फूलों की घाटी कहो या कागरिया से नीचे की तरफ उतर रहे हैं। साथी लोग तो पीछे रह गए क्योंकि वो रुक रुक के आ रहे थे और रुकने में प्रॉब्लम है कि घुटने दर्द करेंगे। मैं काफ़ी आगे आ गया हूँ और अभी लगभग 3 किलोमीटर का फुलना गांव तक का पैदल ट्रैक बाकी है, उसके बाद वहाँ से गाड़ी मिल जाएगी। लगभग 3:30 के लगभग फूलों की घाटी से वापस नीचे आ गए थे। फिर वहाँ से एक स्टॉल से चाय पी, फिर गुरुद्वारा गए, वहाँ पे लंगर लिया, फिर वहाँ पे चाय पी और फिर वहाँ से 4 बजे के लगभग रवाना हुए। टन का नज़ारा देख लीजिए, अभी कोई भीड़ बहुत कम है, कम क्या बहुत है ही नहीं लोग, क्योंकि 2:30 बजे के बाद में वहाँ से गोविंद घाट से ऊपर चढ़ना अलाउ नहीं है क्योंकि रात पड़ जाती है और रास्ता बहुत ख़तरनाक है। जंगली जानवर हालांकि दिखे तो नहीं, लेकिन कहते हैं कि यहाँ पे हिंसक जीव भी रहते हैं, इसलिए बंद कर रखा है।